हेलो एंड वेलकम टू द चैनल साइंस स्कूल बाय राकेश सर। गाइस, अब आप हमको फेसबुक चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन पर ऐड कर देंगे। गाइस, आप हमको इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया जाएगा। गाइस, सून आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर पाओगे, जहाँ पे आपको 6th to 12th क्लास के साइंस एंड मैथ्स के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, एज वेल एज डीपीपी साइंस और मैथ की प्रोवाइड की जाएगी। गाइस, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, देन प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, देन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट आवर लेटेस्ट वीडियोस। सो स्टूडेंट्स, इन दिस एक्टिविटी वी आर गोइंग टू प्रूव दैट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज half into base into height. For this, first we need to draw a triangle. हमें एक triangle draw करना है, right? Then we need to draw perpendicular inside the triangle such that triangle becomes divided into two equal part. हमारा triangle दो equal parts में divide हो जाए, इस तरह से हमें perpendicular draw करना पड़ेगा. We can divide the or draw the perpendicular from point A. A से हम perpendicular draw कर सकते हैं on the line BC. BC लाइन के ऊपर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो डिवाइड दिस फ्रॉम पॉइंट बी, बी से ड्रॉ करें और कहां पे AC के ऊपर परपेंडिकुलर, एंड वी कैन फ्रॉम पॉइंट C, राइट? किसी भी वर्टेक्स से हम ड्रॉ कर सकते हैं परपेंडिकुलर और किसी भी साइड पर ड्रॉ कर सकते हैं, बट ओनली फ्रॉम वन, एक ही परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है, राइट? सो द स्टेप वन ऑफ आर प्रोसीजर इज ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी, राइट? देन फ्रॉम पॉइंट ए से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। फ्रॉम पॉइंट ए ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कहां पे? ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन BC लाइन, राइट? सो इस तरह से हमने एक ट्राइंगल बनाया, फर्स्ट A, B एंड C, और हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फ्रॉम पॉइंट A वर्टेक्स से कहां पर? BC लाइन पर, राइट? सच दैट इट विल डिवाइड इन टू पार्ट्स एंड आवर एंगल इज बिकम 90 and 90 degree, राइट? सच दैट this point is say D, ये point हमारा D point है, and we have BD is equal to BC, right? And the whole BC, this whole line BC is equal to BD plus DC, right? तो हमारा जो BC है, ये BC complete line है, ये divide हो जाएगा into two equal parts, right? Such that we can say that BC is equal to BD plus DC, right? तो इस तरह से हम कह सकते हैं, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। नाउ वी कैन से दैट दीज टू आर राइट एंगल्ड ट्राइंगल एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन बोथ दीज ट्राइंगल्स, राइट? दोनों ही ट्राइंगल में हम अप्लाई करने वाले हैं अपना राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला, जो होता है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। हमारे एबीसी ट्राइंगल का जो एरिया है उसे कैलकुलेट करने के लिए, बिकॉज वी डोंट नो दैट दिस ट्राइंगल इज राइट हैंड ट्राइंगल और किस एंगल का है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्सोल्यूट एंगल ट्राइंगल, कैसा ट्राइंगल है, वी डोंट नो अबाउट दिस। बट ये दो छोटे जो ट्राइंगल है, वी नो अबाउट दिस टू ट्राइंगल्स, दैट दिस टू ट्राइंगल्स आर राइट एंगल ट्राइंगल, बिकॉज यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया है, दैट्स द रीजन, राइट? सो इन छोटे ट्राइंगल्स की बात करेंगे, फिगर वन एंड फिगर टू, इन दोनों का एरिया प्लस कर देंगे तो पूरे एबीसी ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर वन प्लस एरिया ऑफ फिगर टू, राइट? फिगर वन का एरिया एंड फिगर टू का एरिया, इन दोनों के एरिया को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। सो दिस एरिया विल बिकम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। द वैल्यू ऑफ बेस इज बीडी, राइट? द वैल्यू ऑफ बेस इज बीडी इंटू the value of height, such that say this height is h, right? ये आपकी जो AD है, AD की value आपकी है h, okay? तो height is h plus
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर द सेकेंड फिगर. बेस इज डी सी नाउ, बेस इज डी सी नाउ एंड द हाइट अगेन सेम दैट इज एच. ओके, दोनों ही ट्राइंगल में, दोनों ही फिगर्स में जो छोटी फिगर्स है हमारी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मुला आप अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल, राइट. सो नाउ टेकिंग कॉमन हाफ एंड एच इन बोथ साइड्स, वी हैव हाफ इंटू एच इन साइड ब्रैकेट बी डी प्लस डी सी एंड हेयर वी हैव बी डी प्लस डी सी इज इक्वल टू बी सी. द वैल्यू ऑफ बी डी प्लस डी सी इज इक्वल टू बी सी, राइट. हाफ इंटू एच इंटू बी सी. बी सी इज नथिंग बट बी सी इज द बेस, राइट. बी सी हमारा बेस है, दैट इज बी. ओके, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे बेस से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आर एरिया ट्राइंगल विच इज नाउ प्रूव्ड, राइट. आई होप आपको एक्टिविटी समझ आ गई होगी. इट इज अ वेरी सिंपल एक्टिविटी टू प्रूव दैट ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ ट्राइंगल देन डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ अ परपेंडिकुलर, राइट. परपेंडिकुलर की हेल्प से इसे दो ट्राइंगल में हम डिवाइड कर देंगे देन बाय एडिंग बोथ द ट्राइंगल्स टुगेदर, राइट. दोनों ट्राइंगल के एरिया को ऐड करेंगे, वी हैव द ट्राइंगल ऑफ होल, राइट. बड़े ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा. नाउ वी हैव हाफ एंड एच एज कॉमन एंड बी डी एंड डी सी रिमेन्स इन साइड द ब्रैकेट. द वैल्यू ऑफ बी डी प्लस डी सी इज बी सी एंड द फॉर्मूला इज प्रूव्ड. आई होप आपको एक्टिविटी समझ आ गई होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. जय हिंद, जय भारत.